हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर लूप की मदद से हम लोग ऑड नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम लोग ऑड नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो फॉर लूप को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑड नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं कि हम लोग ऑड नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कि ये चार लाइनें फिर से वैसे ही एच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैच इंक्लूड कोम्यू डॉट एच और वॉइड में और ये ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब हमारी यहाँ से बॉडी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ठीक है। ये बॉडी हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग इसमें होती है और ये दोनों हेडर फाइल्स हैं और ये मेन फंक्शन होता है, ठीक। अब देखिए इसमें मैंने इंट लिया है एक्स एन एक्स और ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वैसे ही पुराने वाले प्रोग्राम की तरह, जैसे मैंने नेचुरल नंबर में बताया कि n और x किसके काम आता है। n आता है यूजर के लिए, जो मतलब यूजर जो नंबर देगा उसके लिए, और x हमारा लूप चलाने के काम आता है। अब देखिए, अब जैसे मैंने उसमें बताया था कि 1, 2, 3, 4, तो ये तो स्टेप्स थे जो स्टेप्स को हम लोगों ने नॉर्मली प्रिंट करवा दिया था बिना किसी फॉर्मूले लगाए, मतलब बिना कोई फॉर्मूले के हम लोगों ने डायरेक्ट इसी को ऐसे ही प्रिंट करवा दिया, क्योंकि ये क्या थे लूप में, ये स्टेप्स थे, हम लोगों ने स्टेप्स को ही प्रिंट करवा दिया रिजल्ट के तौर पे, ठीक। पर अब इसमें ये नहीं होगा क्योंकि अब हम लोग को चाहिए ये 1, 3, 5, 7 ऐसे डेटा, ठीक है। हम लोगों को ये चाहिए, तो इसको करने के लिए तो नॉर्मल स्टेप्स तो है नहीं, हमको लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या प्रोग्राम करने के कई और भी तरीके होते हैं। हम लोग बेसिकली मतलब नॉर्मली प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग ऐसे बेसिक है तो हम लोग बेसिक तौर पर समझेंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आगे हमको समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा ए इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोगों ने ए इज इक्वल टू 1 दे दी, तो सबसे पहले जो 1, 3, 5, 7 और 9 था, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग का 1 तो ऐसे ही यहीं से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा 1 जो प्रिंट होगा वो यहीं इसी की मदद से 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहला जो 1 है वो यहीं से प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैंने बताया था कि जो इनिशियलाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए पहले पूरा प्रोग्राम समझ लेते हैं। क्लियर स्क्रीन है, आप जानते हैं प्रिंट टैब किसके काम आता है, मैसेज को प्रिंट करवाने के, स्कैन अप उस जो वैल्यू हम यूज़र देगा उसको स्टोर करवाने के और वैल्यू चेक करने के लिए कि इंटीजर है या फ्लोट, ठीक है। हम लोग यहाँ से कोडिंग अपनी शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग को समझते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए फॉर लूप और वही पुराना जो हम लोगों ने नेचुरल नंबर में कंडीशंस ली थी वही सारी हैं, ठीक। और यहाँ देखिए ये क्या x इज इक्वल टू 1, ठीक। ये इनिशियलाइजेशन का काम कर रहा है और ये कंडीशन चेक करने का काम कर रहा है और ये वैल्यू को अपडेट करने का काम कर रहा है, इसको मतलब इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक। और ये जगह माइनस माइनस लग जाए तो इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक। तो इनिशियलाइजेशन 1 ये स्टेप है, 1, 2, 3, 4 ये स्टेप्स हैं, ठीक है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, कि यूज़र नंबर देगा तब तक ये वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। मतलब मान लीजिए यूज़र ने दिया 5, ये 5 हटा दीजिए, बहुत देर से 5 लेना है, मान लीजिए यूज़र ने दिया 10, तो ये 10 तक के क्या होगा लूप चलता रहेगा, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के ये चलता रहेगा, ठीक है। और ये अपडेट करने का काम कर रहा है, मतलब हर एक लूप के बाद, मतलब एक बार लूप चलेगा उसके बाद ये चीज़ जो है उस चीज़ को अपडेट करने के काम कर देगी। मतलब 1 जैसे ही 1 का काम खत्म हो जाएगा तो ये काम करने लगेगा और ये किसको 1 को किस पे ले जाएगा 2 पे, ठीक है। 1++ मतलब 1 के बाद एक स्टेप बढ़ जाए। अब इसके बाद देखिए ये बॉडीज की चालू हुई, बॉडी में मैंने देखा है कि सबसे पहले लिखा है प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए। अब देखिए सबसे पहले अगर इस मैसेज को यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्रिंट करवा देते तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले मैसेज में दे दिया है कि सबसे पहले हम लोग को वैल्यू किसकी चाहिए, ए की चाहिए, ठीक। तो ए की सबसे पहले वैल्यू कौन सी, यहाँ पे 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 प्रिंट हो गया, ठीक। इस जो मैंने यहाँ पे ए लिखा है वो जो वैल्यू ली गई है वो यहाँ से ली गई है, ठीक। अब उसके बाद जब नीचे आएगा तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू तो प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद फिर ये दूसरे नंबर पे क्या है,
इज इक्वल टू ए प्लस टू, मतलब यहाँ का ए, ये जो ए है ये यहाँ पे ये वन आ जाएगा और ये प्लस टू, ठीक प्लस टू हो रहा है बार बार, ठीक और प्लस टू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए की नई वैल्यू क्या है, टू। ए की नई वैल्यू क्या है, वन प्लस टू मतलब थ्री। थ्री क्या है, ए की नई वैल्यू, ठीक। ए की जो नई वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, थ्री, ठीक। तो अभी देखिए ये नई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी थ्री, ठीक। अब ये लूप फिर से वापस आ जाए यहाँ पे, तो ये नंबर टू पे क्या प्रिंट करवा चुका है, थ्री को। अब देखिए समझिए, यहाँ पे जो हमारा वन था, ठीक, वो एक बार लूप चला, यहाँ पे पहुंच गया, वैल्यू को प्रिंट करवा दी, इसने पहले प्रिंट करवा दिया, ठीक। फिर नीचे आया तो नीचे देखा इसने एक फॉर्मूला लगा है, तो वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया, मतलब इस वैल्यू को पहले बढ़ा लिया, ठीक। वैल्यू को कैसे बढ़ाया कि यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, ए प्लस टू मतलब ए की पहली वाली वैल्यू कौन थी, वन थी, फिर टू थी, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री। अब ये थ्री को ऊपर लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक, थ्री को यहाँ पे लेके जाएगा और ये स्टेप टू हो जाएगा, यहाँ पे वन की जगह पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये वन की जगह पे टू हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि ये दस से छोटी है कि नहीं, तो ये सही बात छोटी है, ठीक। तो ये कंडीशन चेक मतलब सही हो गई। अब ये सही हो जाएगी तो फिर प्रिंट एफ पे आएगा। तो ये जो ए की वैल्यू जो ये लेके आया था थ्री, जो यहाँ से यहाँ तक चल के आया थ्री, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू थ्री थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक। तो ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री हो गई, ठीक। अब ये फिर से यहीं पे आएगा, यहाँ पे नीचे, मतलब जैसे ही प्रिंट हो जाएगी वैल्यू वैसे ये फिर से नीचे आएगा। नीचे आते ही ये फिर से देखेगा ये फॉर्मूला मिल गया उसको। अब फॉर्मूला मिल गया तो जो थ्री वैल्यू था लेके गया था उस थ्री को यहाँ पे रखेगा और एक नई वैल्यू मिल जाएगी इसको पाँच, ठीक। ये पाँच लिया, फिर ये पाँच को यहाँ पे लेके आएगा फॉर लूप के पास, तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे कौन सा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक। तीसरा स्टेप यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पे तो सही है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप किस तरह है, दस से छोटा है, मतलब दस दस से छोटा है तीन, ठीक। तो ये स्टेप सही हो गया, मतलब कंडीशन सही हो गई, तो ये नीचे लिखी गया, तो यहाँ पे वैल्यू इसने प्रिंट करवा दी पाँच। अब डेट डेस करके यहाँ पे जितनी भी वैल्यू बढ़ती गई होगी, मान लो बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही ग्यारहवा स्टेप आएगा, जैसे दस तक तो सही था, अब जैसे यहाँ पे ग्यारहवा स्टेप आएगा, इनिशियलाइज करके ग्यारह स्टेप आएगा, तो यहाँ पे देखिए ग्यारह जैसे ही आएगा तो एक तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। जितना काम प्रोग्रामर ने बताया था, मतलब यूजर ने जितना प्रोग्राम बताया था, जो प्रोग्राम ने उतना काम पूरा कर दिया, तो अब यहाँ से लूप जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद गेट सी एच और ब्रैकेट बंद मतलब बॉडी बंद, तो यहाँ से कोडिंग भी खत्म। तो ये हो गया ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाने का प्रोग्राम। याद रखिएगा जो ये हम लोग वैल्यू देते हैं यहाँ पे, जो भी वैल्यू आती है वन, जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में वन लेते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है और ये यूजर नंबर देता है वो स्टेप्स बताता है। यूजर बताता है कि हमको पांच स्टेप चाहिए, दस स्टेप चाहिए, पचास स्टेप चाहिए, हजार स्टेप चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से ये लूप जो है वो काम करता रहता है, उतनी देर तक काम करता रहता है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर स्टेप्स को आप प्रिंट करवा रहे हैं तब तो वो स्टेप्स प्रिंट होंगे, अगर आपने स्टेप्स को प्रिंट नहीं करवाया है तो और कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो स्टेप्स की मदद से कुछ भी नहीं होगा, आपको उसको फॉर्मूले की मदद से कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर करनी पड़ेगी। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तभी आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। याद रखिएगा हर प्रोग्राम को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, पर मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो आपके लिए बेसिक लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने अगर थोड़ा सा और इसको टफ कर दिया तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तरीके बहुत से होते हैं, ठीक है, तो पर आपको सबसे आसान तरीका यही लगना चाहिए। और याद रखिएगा मेरी दो प्लेलिस्ट चल रही है, एक प्लेलिस्ट में मैं हमेशा थ्योरी बताता हूँ और एक प्लेलिस्ट में मैं हमेशा प्रोग्राम बताता हूँ। तो याद रखिएगा कि अगर आप प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो आप थ्योरी भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी के प्रोग्राम समझ में नहीं आएंगे, पर अगर आप थ्योरी देख रहे हैं और उसके एग्जाम्पल्स चाहते हैं तो आप प्रोग्राम वाले प्लेलिस्ट में जाके प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।